वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। ओपन पोर, एनलार्ज पोर्स, क्लॉग पोर्स, क्या ये सारी दिक्कतें आप फेस कर रहे हो? बहुत से प्रोडक्ट्स यूज करके देख चुके हो विद नो रिजल्ट्स? डोंट वरी, हम आ चुके हैं ये रेस्क्यू करने के लिए। हम आपको इजी ट्रिक्स एंड टिप्स बताने वाले जिससे सारी दिक्कतें आपकी बिल्कुल दूर हो जाएंगी। हम आपको एक इजी ट्रीटमेंट बताएंगे विद होम रेमेडीज जिससे आपके क्लॉग्ड पोर्स, ओपन पोर्स, एनलार्ज पोर्स प्रॉपरली टाइटन अप हो जाएंगे। पहले तो आपको ये बताते हैं ओपन पोर्स आखिर होता क्या है। जो हमारी पूरी बॉडी है ना, इंक्लूडिंग आर फेस, ये सब कुछ पोर्स से ही बना होता है। ऐसा नहीं है ओपन पोर्स कोई बीमारी है, ये ओपन पोर्स होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। हमारी स्किन में हर जगह पोर्स होते हैं और उसी के थ्रू हमारी स्किन ब्रीथ करती है। बट ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सन डैमेज या कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आपने यूज़ कर लिया, उससे वो पोर्स ओपन अप हो जाते हैं और वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। यूजुअली मेजॉरिटी ऑफ पोर्स बहुत छोटे साइज से होते हैं और नेकेड आई से नज़र नहीं आते, बट इन सब फैक्टर्स की वजह से वो एनलार्ज हो जाते हैं और वो बहुत बुरे लगने लग जाते हैं। आंखों को तो वो बहुत बुरे लगते ही हैं, साथ बट जब आप मेकअप करने बैठते हो ना तो और परेशानी आती है। जैसे ही आप फाउंडेशन लगाते हो वो सिंक इन हो जाता है आपके पोर्स के अंदर और वो बहुत ज़्यादा बुरा लगने लग जाता है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन तो उसके लिए हमारे को ढूंढना ही पड़ेगा। हम आज आपके लिए इजी 4-स्टेप सोल्यूशन लेकर आए हैं फॉर ओपन पोर्स, जिसमें हम होम रेमेडीज का भी यूज करने वाले हैं, कॉस्मेटिक्स का भी यूज करने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिडू वीडियो को शुरू करते हैं आगे और आपको बताते हैं 4-स्टेप ट्रीटमेंट फॉर ओपन पोर्स। इससे पहले हम ट्रीटमेंट की तरफ आगे बढ़े, आपको एक बेसिक चीज बता देते हैं। जो हमारे पोर्स है ना उसको क्लीन रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये गलती बहुत लोग करते हैं। ओपन पोर्स हैं इसका ये मतलब थोड़ी उनको आप क्लीन नहीं रखोगे। अगर आपके ओपन पोर्स क्लीन है ना तो वो उतने बुरे नहीं लगेंगे। हम जब जैसे बाहर जाते हैं ना, डस्ट पॉल्यूशन की वजह से वो हमारे पोर्स में चला जाता है और एयर के साथ ऑक्सीडाइज होकर वो ब्लैक कलर का दिखने लग जाता है और वो हो जाता है ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, क्लॉग पोर्स, जिसकी वजह से हमें एक्ने ब्रेकआउट की प्रॉब्लम भी आती है। तो अगर आपके पोर्स ओपन है, क्लोज है, डजंट मैटर, आपको अपने पोर्स को प्रॉपरली क्लीन रखना है। अब आप वो रख सकते हो प्रॉपरली अपने पोर्स को क्लींस कर एक्सफोलिएट करना है प्रॉपरली स्क्रब के साथ। उससे आपके पोर्स के अंदर जितना भी डर्ट वगैरह होगा ना वो प्रॉपरली निकल जाएगा, जिससे एक्स्ट्रा सेबम की प्रोडक्शन नहीं होगी और ना ही आपको एक्ने ब्रेकआउट की प्रॉब्लम आने वाली है। सीधा आगे बढ़ते हैं अपने स्किन केयर रूटीन की तरफ, जो मैजिक की तरह काम करने वाला है आपके ओपन पोर्स के लिए। स्टेप नंबर 1, क्लींजिंग योर फेस प्रॉपरली। आपने एक बढ़िया वाला फेस वॉश लेना, उससे अपने फेस को प्रॉपरली क्लीन करना है। प्रेफरेबली उसके अंदर नीम होना चाहिए, टी ट्री होना चाहिए, सैलिसिलिक एसिड होना चाहिए। ये जो 3 इंग्रेडिएंट होते हैं ना, जेंटली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं, पोर से डस्ट वगैरह को हटाते हैं और आपके फेस को प्रॉपरली क्लीन कर देते हैं। स्टेप नंबर 2, एक्सफोलिएशन। ये सबसे ज़रूरी स्टेप है जब आपके पोर्स को ओपन होते हैं ना उनको ठीक करने के लिए, या आपके पोर्स क्लॉग होते हैं उसको ठीक करने के लिए। आपने एक बढ़िया वाला स्क्रब लेना, आप आराम से जाके मार्केट से ले सकते हैं जो आपकी प्रेफरेंस का हो। आप लोटस का ले सकते हैं, अरोमा मैजिक का ले सकते हैं, बायोटेक का ले सकते हैं। बट अगर आप ये प्रोडक्ट्स नहीं भी पसंद करते, हम आपको बताएंगे कैसे आप घर पे एक बढ़िया वाला स्क्रब रेडी कर सकते हैं। आपने सबसे पहले करना क्या, 1 चम्मच लेना है राइस फ्लोर, उसमें आपने डालना है 1 चम्मच हनी, उनको प्रॉपरली बढ़िया ढंग से मिक्स कर लो और 1/2 स्पून उसमें डाल दो शुगर। इन तीनों इंग्रेडिएंट को प्रॉपरली मिक्स कर लो, पूरे फेस पे इसको आप लगा सकते हो, सर्कुलर मोशन में इससे मसाज करो। आपने बहुत ही जेंटली मसाज करना है बिकॉज आपकी स्किन बहुत कीमती है, बहुत ही सेंसिटिव है। अगर आप उस पर ओवर प्रेशर डाल दोगे तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। आपने एक्स्ट्रा फोकस करना है अपने टी जोन पे, जो कि हम ये बोलते हैं फोरहेड, नोज एंड हमारा ये वाला एरिया, आपने इस पर एक्स्ट्रा प्रेशर डालना है ताकि जो ब्लैकहेड्स वगैरह है वो प्रॉपरली निकल जाए और आपके पोर्स प्रॉपरली क्लीन हो जाए। आपने एक चीज का खास ध्यान रखना है, ये वाला जो प्रोसेस है ये मैक्सिमम हफ्ते में 1 बार या 2 बार आपने करना, उससे ज्यादा नहीं करना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप अपनी स्किन का ध्यान रखना चाहते हो, स्किन केयर रूटीन कंसिस्टेंट होना चाहिए, बट ओवर क्वांटिटी में हमेशा ही नुकसान देगा। स्टेप नंबर 3, ओपन पोर्स टाइटनिंग मास्क। ये सबसे जरूरी स्टेप है हमारे पूरे रिजीम का, बिकॉज ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है आपके ओपन पोर्स के लिए। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने कुछ होम रेमेडीज वाला आपको हम बताने वाले हैं, आपको कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करने पड़ेंगे। सबसे पहले चाहिए आपको 1 एग व्हाइट, उसके साथ आपको चाहिए होगा 1 चम्मच हनी और 1 चम्मच बेसन। अगर आप एग यूज़ नहीं कर सकते कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मेरे पास एक कॉमन डाउट आता है कि हम अंडा यूज़ नहीं कर सकते, आपने उसकी जगह लेना है 2 चम्मच टमेटो जूस, बाकी इंग्रेडिएंट आपके बिल्कुल सेम रहने वाले। पहले आपको थोड़े बेनिफिट्स बताते हैं इन सब प्रोडक्ट्स के। जो बेसन होता है ना वो सारी इंप्यूरिटीज़ को खींच लेता है और आपकी स्किन टोन को बिल्कुल ही इवन कर देता है। जो एग है ना वो रिच इन प्रोटीन होता है और वो बहुत ही टाइटनिंग मास्क होता है, वो आपकी स्किन फॉर्मिंग में भी हेल्प करता है और वो आपके पोर्स को प्रॉपरली श्रिंक कर देता है और एक बढ़िया वाला ग्लो तो ऐड करता ही है। हनी हमने इसलिए डाला ताकि वो जो पैक है वो बिल्कुल भी आपकी स्किन में ड्राइनेस ना करे और जो हनी है वो भी आपकी स्किन टाइटनिंग में हेल्प करती है। सीधा आगे बढ़ते हैं रेमेडी की तरफ। अगर आप एग वाली रेमेडी यूज कर रहे हो, आपने 1 एग लेना है, उसका एग वाइट निकाल दो, एक फोक से उसमें छेद करो और एक बोल में ट्रांसफर कर लो।
देन आपने उसमें ऐड करना है एक चम्मच बेसन, आप एक से डेढ़ चम्मच ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन द एग की क्वांटिटी। प्रॉपरली मिक्स कर लो, आपको मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा बिकॉज जो एग का टेक्सचर होता है ना वो बहुत ही जेली लाइक टेक्सचर होता है। एंड देन आप उसमें ऐड करना है 1 स्पून ऑफ हनी, इनको प्रॉपरली मिक्स कर लो। आपका बढ़िया वाला फेस मास्क रेडी हो चुका है। ऑन द अदर साइड अगर आप टमेटो जूस वाला रेडी कर रहे हो, आपने 2 चम्मच लेना है टमेटो जूस, उसमें आपने डालना है 1 चम्मच हनी और 1 चम्मच बेसन, प्रॉपरली मिक्स कर लो। ये आपका वेजिटेरियन मास्क रेडी हो चुका है, वो आपका एग मास्क रेडी हो चुका है। एप्लीकेशन बिल्कुल सेम रहने वाली है, आप एक फेस पैक ब्रश की हेल्प से अपने फेस पे पूरे इसको लगा सकते हो। आपने 15 से 20 मिनट वेट करना है, जैसे वो ड्राई हो आपने एक लेयर और लगानी है। ये एक बार में मास्क खत्म नहीं होने वाला, आपको 2-3 बार इसको लगाना पड़ेगा। आपका जैसे सूख गया एक लेयर और लगा लो, फिर आप चाहो तो एक लेयर और भी लगा सकते हो। जितना आप लगाओगे उतना टाइटनिंग में हेल्प करेगा आपके पोर्स की। जैसे फेस पैक आपको लगे प्रॉपरली सूखने लगा है, आप एक वेट टॉवल ले सकते हो और प्रॉपरली वाइप ऑफ कर सकते हो। आपको इंस्टेंटली ही फील होगा मेरे पोर्स जैसे टाइटन अप हो चुके हैं। बट आपको खुशी तो बहुत होगी, बट वो एक परमानेंट प्रोसेस नहीं है, आपको रेगुलरली इसको फॉलो करना पड़ेगा रूटीन में, तभी वो आपको बेस्ट रिजल्ट्स दे पाएगा लॉन्ग रन में। इंस्टेंटली तो पोर्स को टाइटन अप कर देता है, बट ये एक रूटीन वाला प्रोसेस है। अगर आप रूटीन में करोगे तभी पोर्स प्रॉपरली टाइटन अप रहेंगे। आपने इनिशियली इसको हफ्ते में 2 बार फॉलो करना है, बट जैसे आपको लगे आपकी स्किन ने अडेप्ट कर लिया तब आप हफ्ते में 3 बार इसको फॉलो कर सकते हो। एंड फाइनली स्टेप नंबर 4, अप्लाई अ टोनर। ये स्टेप बहुत लोग नहीं लगाते और सबसे बड़ी गलती यही होती है। अगर आपके ओपन पोर्स है ना, टोनर लगाना मैंडेटरी, और ओपन पोर्स नहीं भी हैं, ऑयली स्किन है तो भी लगाना जरूरी है, वो ऑयल सिक्रीशन कम करने का काम करता है। अब बात आती है कौन सा टोनर लेना है। आप आराम से मार्केट में जाके बायोटिक का क्यूकम्बर टोनर ले सकते हैं, लोटस का ले सकते हैं, अरोमा मैजिक का ले सकते हैं, कोई भी ब्रांड का टोनर लो, अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग लो। स्किन टाइप नहीं जानते कोई चिंता वाली बात नहीं, आप हमारे को हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, हम आपकी प्रॉपर्ली हेल्प करेंगे परफेक्ट टोनर सेलेक्ट करने में। अब बात आती है टोनर लगाया कैसे जाता है। जब जब आप फेस को क्लिनजिंग करते हो, चाहे आपने फेस वॉश करा है, उसके बाद टोनर लगाना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। बट जब इस रेमेडी की बात आती है, जब आप ये 3 स्टेप्स फॉलो कर चुके हो, उसके बाद एक कॉटन में आपने टोनर लेना और पूरे फेस पे डैब डैब करके लगाना है। वो आपकी स्किन का पीएच लेवल बैलेंस हेल्दी रखेगा, ऑयल सिक्रीशन कम करेगा, बेसिकली आपकी स्किन में ऑयल जल्दी आने नहीं देगा और पोर्स को प्रॉपरली टाइटन अप करके रखेगा। ये तो हो गया हमारा वीकली रूटीन। इसके बाद आपने इमीडिएटली अप्लाई करना है मॉइस्चराइजर। अगर आपकी स्किन ड्राई है, स्किन ऑयली है, तो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर ले सकते हो। ये स्टेप भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाओगे तो ये सारी चीज़ें सील नहीं हो पाएगी। जैसे कि मैंने बताया ये आपका वीकली रूटीन है, मैं आपको डेली रूटीन भी बता सकता हूँ। डेली रूटीन के लिए आपको करना क्या, आपने फेस वॉश तो करना ही करना है 2 times in a day, और उसके बाद आपने अप्लाई करना है टोनर ऑन रेगुलर बेसिस। और जहां तक ये स्क्रब और मास्क की बात है, जो बीच के 2 स्टेप थे, ये आपने हफ्ते में सिर्फ 2 बार फॉलो करने हैं, ज्यादा ओवरडू नहीं करना, बिकॉज अभी आपकी स्किन को आदत नहीं है इन चीजों की। जैसे आपकी स्किन को आदत हो जाए आप इसको हफ्ते में 3 बार तक ला सकते हो, बट उससे ज्यादा फिर भी नहीं करना, बिकॉज आपकी स्किन में ड्राइनेस होना शुरू हो जाएगी, और जब स्किन में ड्राइनेस होती है या स्किन डिहाइड्रेटेड होती है, वो फेस पे ग्लो कभी आ ही नहीं पाता। ओपन पोर्स की दिक्कत आपकी ठीक भी हो जाएगी तो वो ड्राइनेस आने लग जाएगी और आपका फेस डल अपीयर होना शुरू हो जाएगा। तो रेमेडी आपने फॉलो तो करनी ही है, बट एक लिमिटेड क्वांटिटी में। मैं पहले भी बहुत बार बता चुका हूँ, एक्सेस करने से कभी फायदा नहीं होता, कंसिस्टेंट फॉलो करोगे तो ही फायदा होगा। तो ये था एक ईजी सा स्किन केयर रूटीन जो था 4 स्टेप्स में, और ये आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स डिलीवर करने वाला है, ये मैं गारंटी आपको देता हूँ। आपको सिर्फ 2 हफ्ते में फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। आपने आज इसे लागू करना है इसे अपनी जिंदगी में, अगर आपको ओपन पोर्स की समस्या है, या अगर आप चाहते हैं कि आपको ओपन पोर्स की दिक्कत ना आए। आपको 2nd वीक में डिफरेंस दिखेगा, जैसे मैंने बताया पहले वीक में आपने यूज करना है 2 बार और दूसरे वीक में आप इसको 3 बार यूज कर सकते हो। जब आपका 5th यूज होगा ना, आप बिफोर और आफ्टर की फोटो लेके रख लो, अगर आपको डिफरेंस नहीं दिखे ना आप तब बताना, आप कमेंट जरूर करना 2 हफ्ते बाद आपको क्या रिजल्ट मिला। आप अगर ट्रैवल व्लॉग्स पसंद करते हो, मैंने एक नया चैनल बनाया जिसका नाम है रोहित सचदेवा व्लॉग्स, उसमें हम बहुत बढ़िया ट्रैवल व्लॉग्स डालने वाले हैं। हर संडे उस चैनल पे वीडियो आने वाली है, आप अगर उनको पसंद करते हो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ आपको बहुत बढ़िया वीडियो मिलने वाली है। मेरी जिंदगी में मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता वो आपको बढ़िया ढंग से नजर आता रहेगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, अपने उन फ्रेंड्स के साथ के लिंक शेयर करें जिनको ओपन पोर्स की दिक्कत है और कोई रिजल्ट वो अचीव नहीं कर पा रहे। तब तक हम आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट रोहित सचदेवा, गुड बाय।